हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल और आज की जो रेसिपी है वो कटहल की स्वादिष्ट सब्जी की रेसिपी है और इसे आप बनाएंगे ना तो मटन चिकन सब भूल जाने वाले हैं इसे एक बार अगर आप बना लेंगे घर में तो और मैं ना पहले कटहल का सब्जी मतलब बनाने में मुझे ऐसा लगता था ना कि मैं कैसे बनाऊंगी मतलब सब्ज़ी बनाने में नहीं उसको काटने में बहुत प्रॉब्लम होता है और पूरा लसलस टाइप से उसके अंदर जो लसा होता है वो निकल के हाथ में लग जाता है काटने में भी दिक्कत होता है लेकिन आजकल मार्केट में इतना अच्छा सुविधा हो गया है कि जो कटहल वाली दीदी होती हैं ना वो पूछ करके अच्छे से कटहल को साफ़ करने के बाद पीस के हिसाब से काट भी देती हैं तो बस मुझे भी इस तरीके से दिख गई हैं तो मैं कटहल लेकर के घर पर चली आई तो यहाँ पे लगभग लग ढाई सौ ग्राम कटहल है जिसके छोटे छोटे पीसेस मैंने कट कर लिया है साथ में आ, छः सात आलू को साथ में डाल के बॉयल कर लेंगे थोड़ा सा हल्दी डाल करके जब आ, आ, मतलब चार पाँच सीटी के बाद ये सॉफ्ट हो जाता है तो गैस की फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और इसे थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे तो आप कटहल की सब्जी मतलब बगैर तेल के तो बनाना मुश्किल है तो इसमें आप तेल की मात्रा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं मैं थोड़ा सा तेल डाल के नॉन स्टिक पैन में इसे फ्राई कर ली हूँ साथ में अब कुकर में हम इसे बनाएंगे तो कुकर में डाल देंगे एक चम्मच खड़ा जीरा तेज अपने पसंदीदा गर्म मसाले को तोड़ के डाल देंगे और साथ में आठ दस लहसुन की कली को काट के डालेंगे जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और एक टुकड़ा अदरक को भी तोड़ के डाल देंगे साथ में यहाँ दो बड़े साइज के प्याज को स्लाइसेस में मैंने कट कर लिया है उसे डाल देंगे और नमक डाल के प्याज को अच्छे से भून लेंगे क्योंकि मैं इसे कम तेल में बना रही हूँ तो थोड़ा सा मतलब ध्यान रख के बनाना होता है उसके बाद यहाँ पे चार पाँच हरी मिर्च को क्रस करके डाल देंगे साथ में इसमें जाएगा आधा चम्मच काले मिर्च का काली मिर्च का पाउडर आधा चम्मच हल्दी पाउडर और साथ में थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे और इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स होता है ना वो होता है चिकन या मटन मसाला तो यहाँ पे मटन मसाला का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ तो एक चम्मच भर कर के बड़े चम्मच से इसमें मटन मसाला डाल देंगे साथ में एक चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे और अब अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो इसमें थोड़ा और लाल मिर्च ऊपर से डाल सकते हैं मसालों को थोड़ा सा भूनने के बाद एक बड़े साइज के टमाटर को डाल के मसालों में हम तीन चार सीटी थोड़ा सा पानी डाल करके के लगा लेंगे ताकि मसाले जले या सटे नहीं तो यहाँ पे तीन चार सीटी हाई फ्लेम पे लगाने के बाद से ये देखिए मसाले सॉफ्ट हो गए हैं और ऑयल भी रिलीज हो गया है हो गया इनसे लेकिन एक दो बारी से अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं उसके बाद हमने जो आलू और कटहल को फ्राई करके रखा था उसे इसमें डाल देंगे आलू कटहल की सब्जी ये बहुत स्वादिष्ट बनती है आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा और बहुत ही फटाफट से बन जाती है और इसमें ज़्यादा ऑयल का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है और सब्जी बहुत टेस्टी बनती है तो बस सारी चीज़ों को डालने के बाद से मसालों में हम पाँच मिनट तक फ्राई कर लेंगे क्योंकि कटहल को और आलू को पहले ही हम लोग बॉयल कर लिए हैं तो पाँच मिनट तक जब हम भूनेंगे ना तो इसका जो पानी जो है वो सूख जाएगा तो अब हम इसमें ग्रेवी के हिसाब से पानी डालेंगे तो एक ग्लास पानी डाल देंगे और इस सब्ज़ी में एक उबाल आने देंगे और गर्मा गर्म कटहल की सब्ज़ी बनकर रेडी है